इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हिप्पा में यहाँ आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण होता था, आज यही प्रशिक्षण था और इसमें 8 राज्यों के आईएएस अधिकारी जो आए थे वो यहाँ आए हुए थे, उनका प्रशिक्षण था। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रशिक्षण में थे और यहाँ पर ये जो बच्ची आप देख रहे हैं ये 12 साल की है और लगभग 13 भाषाओं के एक्सेंट को बेहतर तरीके से बोलती है। और एक और बड़ी बात, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन 12 साल की बच्ची 12वीं में पढ़ती है। आइए अब इसी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जाह्नवी। जाह्नवी, कितने साल की हो, किस क्लास में पढ़ती हो और इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हो? मैं 12 साल की हूँ और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, जेवी पब्लिक स्कूल झज्जर में पढ़ती हूँ। और यहाँ तक मैंने एक साल में दो क्लासेस की और गवर्नमेंट से परमिशन ली थी कि मैं 12 ईयर की होके और 13 ईयर की होके मैं 12th अपनी पास कर सकूँ। और अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रही हूँ जो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया होगा। 13 मैं 12th पास करूँगी और आज तक किसी ने भी 17 लेस यानी कि 17 से जिसकी भी एज कम है किसी ने आईएलएस का एग्जाम नहीं क्लियर किया है। मैं इस ईयर उस आईएलएस का एग्जाम क्लियर करने जा रही हूँ और मेरे जितने भी एक्सेंट्स एंड लैंग्वेजेस हैं वो सारे मैंने नियरबाय 2.5 मंथ्स में सीखे थे विदाउट एनी टीचर। एक बार बताएंगे कैमरे पे कैसे कौन कौन से एक्सेंट आते हैं आपको और बोलकर बताएं? ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पर्स, लनन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नेरफ्लिस्क, हिंदी, हरियाणवी, फ्रेंच, जापानीज एंड इंग्लिश। Would you like to speak 2 lines, includes all languages, all accents? Sure, and British it. Hello, my name is Jahnvi, I'm studying 12th standard, and my age is 12, and American. Hello, and my name is Jahnvi, I'm studying 12th standard, my age is 12, studying at JV Public School, and RP. Let's take a look at British accent, and they call it RP, which is a safe pronunciation. Posh, is the Posh accent used mainly there when the Royal Persons of the UK being speaking it? Australian. Australian accent being a little bit of slow because the person that is speaking it, the Australian people being slow, and the Canadian one, the equal thing where we have to sound from defining sound from our throat, and from the Scottish. Everyone, this is the Scottish accent. It's about that we have to just turn the a limit of our word and to be speaking it, giving a limit of difference, and the Norfolk. Paying an Air accent as you male in the UK, paying an RP or a safe pronunciation. These were all my accents and my language, French. Salut, j'appelle Jean-Louis, j'ai été de la OGA, j'ai OGA, ma passe à catalan musique anglaise, je voudrais devenir à l'aise de Noël, merci beaucoup. Japanese, haja ma machete, watashi wa janvi des, watashi wa des ga, ognishiroi omega ishimasu. IAS परीक्षा आपको क्लियर करना, 17 साल के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि कोई बच्ची 17 साल के उम्र में IAS करना है। अभी 12 ईयर की एज में IELTS करना है और फिर उसके बाद यंगेस्ट IAS बनना है। आप फर्स्ट टाइम था जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी, कितना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी? मेरे को तो पहले पता भी नहीं था दैट व्हाट इज द प्रोग्राम। मैं यहाँ पे आई, मेरे को पता लगा कि यहाँ पे CM भी आ रहे हैं। सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज एक ऐसा चांस चाहिए था कि जहाँ पे CM आए और उनसे एक मेरे को मोमेंटो मिले एंड इधर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली। स्टैंडिंग ओवेशन तो आपको मिला, क्या अब सुपर 30 में भी जाने का कुछ प्लान है जो उन्होंने कहा था? मेरे को 12th के बाद मेरे को सुपर 30 में ही जाना है। गुड, बेशक भाषाओं को सुनकर आप भरोसा ना करो लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस आपने देखा यह सत्य है। और यह बच्ची है जो आईएएस बनना चाहती है और आज इसमें मुख्यमंत्री के सामने जितने आईएएस सीनियर अधिकारी थे जो प्रशिक्षण बेहतर प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे, उनको इस बच्ची ने संबोधित किया है। कैमरा मैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुड़गांव।